चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ की बात करने वाले वीडियो सभी छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो, को स्किप ना करें। इस वीडियो में बात करने वाले ऐसे प्राइवेट स्टूडेंट्स के बारे में जिनके एग्ज़ाम हो चुके हैं, उनका रिजल्ट कब जारी होगा। जैसे आपको बता दूँ कि 30 जून तक घोषित करेंगे परीक्षा परिणाम। जैसो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की अधिकांश मुख्य परीक्षाएँ अब अंतिम चरण में है। कुल सचिव धीरेंद्र कुमार वर्मा का कहना है कि सभी परीक्षाओं के परिणाम 30 जून तक घोषित करने की तैयारी है। पहले फाइनल ईयर के परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए जाएंगे ताकि छात्र अगली कक्षा में प्रवेश करा सके। जैसे तो साथ के साथ जो है यूनिवर्सिटी कॉपी भी चेक करा रही है, तो जैसा ही यहाँ पर सभी की कॉपी चेकिंग कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद 30 जून तक सभी के रिजल्ट्स जारी कर दिए जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनका रिजल्ट जारी होगा, उसके बाद यहाँ पर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स का रिजल्ट जारी होगा, फिर फर्स्ट ईयर के रिजल्ट के जो है यूनिवर्सिटी डिक्लेयर करेगी। उसके बाद यहाँ पर और बाकी जितने भी कोर्सेज हैं सभी के रिजल्ट धीरे धीरे जारी किए जाएंगे। तो फिलहाल तो 30 जून तक जो है विश्वविद्यालय यहाँ पर जो है फाइनल ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके रिजल्ट जारी करने वाला है, क्योंकि यहाँ पर पीजी वगैरह में जो एडमिशन स्टार्ट होने वाले हैं तो यहाँ पर उनका अगली कक्षा में एडमिशन ले सके, इस वजह से सबसे पहले यूनिवर्सिटी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के रिजल्ट को जारी करता है, उसके बाद सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के रिजल्ट को जारी किया जाता है। तो जैसे ही यूनिवर्सिटी रिजल्ट्स को जारी करते हैं तो आपको वीडियो के माध्यम से साथ में आपको टेलीग्राम ग्रुप में पल पल की आपको अपडेट दी जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो पर विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा ले, उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप का भी ज्वाइन कर ले। तो मिलते हैं लेटेस्ट अपडेट के साथ, अब तक ले जय हिंद।